हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मालवीय एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप जो है गवर्नमेंट की किसी भी योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने बैंक अकाउंट से आधार NPCI लिंक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भी लोगों का आधार NPCI लिंक नहीं होता है उनको जो है किसी भी तरह का गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है या गवर्नमेंट की योजनाओं का आने वाला किसी भी तरह का कोई फंड उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आधार NPCI को आप किस तरह से लिंक कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है आधार NPCI को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है अपने बैंक अकाउंट का DBT इनेबल कर सकते हैं, उसका कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप जो है अपने अकाउंट का NPCI लिंक नहीं करेंगे, अगर आप अपने अकाउंट का DBT इनेबल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट की किसी भी योजना का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है NPCI। तो जैसे ही आप यहां पर NPCI लिखकर सर्च करेंगे तो यहां पर आपके सामने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पहली ही वेबसाइट आ जाएगी। आपको जो है इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप जो है मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं तो आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अगर आप जो है लैपटॉप PC पे ओपन कर रहे हैं तो आपको जो इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कंज्यूमर का, आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है। जब आप कंज्यूमर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो उसी में से यहां पर आपको जो एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है भारत आधार सीडिंग इनेबल, तो आपको जो इस वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा एंड यहां पर आपके सामने टाइम चालू हो जाएगा कि आपको जो है 8 मिनट के अंदर अंदर इस वाली प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है अपना आधार नंबर प्रोवाइड करना होगा। इस वाले कैप्चा को आप यहां पर फिल करेंगे एंड चेक स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उस कंडीशन में आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं पता है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, अगर आपको नहीं जानकारी है तो आपको जो है अनदर टैब में ओपन कर लेना है SSUP। जैसे ही आप यहां पर SSUP लिखकर सर्च करेंगे तो यहां पर आपके सामने माय आधार का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आपको जो इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहां पर आपको जो है काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उसी में से आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा चेक आधार वैलिडिटी का, ठीक है ना। इस वाले बटन पे आपको कर देना है क्लिक। यहां पर आपको जो है अपना आधार नंबर एंटर करना है, इस वाले कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल करना है एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको आपका आधार नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, जो कि मैंने सिक्योरिटी पर्पस से ब्लर कर दिया है। एंड यहां पर आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके लास्ट के 3 डिजिट आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो इससे आप जो है पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अगर आपका यहां पर जो है NULL लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब यह है कि आपके आधार कार्ड के साथ में कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। आपको जो है अपने आधार कार्ड में पहले मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कराना होगा, लिंक कराना होगा। अगर आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करते नहीं आता है तो उसका भी ऑनलाइन प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता के रखा है, मेरे चैनल पे आप जो है जाके देख सकते हैं या इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो को चला दूंगा। अब दोस्तों आपका यहां पर आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर तो रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। तो आप जो है अपना आधार नंबर यहां पर एंटर करेंगे, इस वाले कैप्चा को यहां पर डालेंगे एंड चेक स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप चेक स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके आधार के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपको यहां पर एंटर कर देना है एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो OTP हमने यहां पर एंटर कर दिया है, हम करते हैं यहां से सबमिट। तो जैसे ही आप यहां पर सबमिट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है आपका आधार का स्टेटस बता दिया जाएगा, मतलब आपका जो DBT है, आपका जो NPCI है आधार के साथ में लिंक है या नहीं है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है आपका आधार नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपका जो मैपिंग स्टेटस है उसके बारे में बता दिया जाएगा कि आपका जो है मैपिंग स्टेटस एक्टिवेट है, किस बैंक के साथ में आपका आधार NPCI लिंक है, वो बैंक का नाम भी आपको यहां पर बता दिया जाएगा। तो अब दोस्तों अगर आपका आधार NPCI लिंक है तो आपको किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका आधार NPCI लिंक नहीं है, अगर आपका आधार NPCI का स्टेटस यहां पर शो नहीं हो रहा है, तो फिर आप जो है अपना आधार NPCI कैसे लिंक करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है आ जाना होगा गूगल के सर्च बॉक्स में। यहां पर आपको जो है सर्च कर लेना होगा PFMS, ठीक है ना। तो यहां पर आपके सामने PFMS पोर्टल का लिंक आ जाएगा। आपको जो है इस वाले वेबसाइट पर कर देना है क्लिक। तो आपके सामने इस तरह का
पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका जो है आधार कार्ड के साथ में तो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, हमने देख लिया, लेकिन हमारा जो बैंक अकाउंट है उसके साथ में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो हमको नहीं पता है, तो वो आप कैसे पता करेंगे? अगर आपका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आप जो है डीबीटी को घर बैठे इनेबल नहीं कर सकते हैं, एनपीसीआई आधार को एनपीसीआई के साथ में लिंक नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज को आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आपको जो इस वाले पोर्टल पर आना होगा, यहाँ पर आ जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है नो योर पेमेंट्स का, आपको जो है इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अपनी बैंक को सिलेक्ट करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर अपनी बैंक का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे ही आप यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखेंगे बैंक के नाम के, तो बैंक के नाम की लिस्ट आ जाएगी, आपको यहाँ से अपना बैंक फाइंड कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर दोबारा से कंफर्म करना है, इस वाले कैप्चा को आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा और यहाँ पर आपको जो है आपका मोबाइल नंबर भी बता दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो है मोबाइल नंबर को देख सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अगर आपका यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है बैंक के साथ में कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या गलत मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो पहले आपको जो है उसको बैंक जाकर सही करवाना होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आपका जो है बैंक अकाउंट के साथ में भी मोबाइल नंबर लिंक है, आधार के साथ में भी मोबाइल नंबर लिंक है, तो अब आपको जो है अपना डीबीटी स्टेटस या आधार एनपीसीआई किस तरह से लिंक करना है, उसके लिए आपको जो है गूगल के सर्च बॉक्स में आ जाना है। तो यहां पर आपको जो है अपनी बैंक के नाम के साथ में सर्च करना है आधार लिंक टू, जो भी आपकी बैंक का नाम है वो आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो भी आप बैंक का नाम टाइप करेंगे आपकी बैंक की आधार एनपीसीआई लिंक की वेबसाइट आपको यहां पर मिल जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं अपडेट आधार, आपको जो है उस लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहां पर उस लिंक को ओपन करेंगे तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं हमने इंडियन ओवरसीज बैंक का यहां पर वेबसाइट ओपन किया हुआ है, यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं अपडेट, तो यहां पर आपको आधार सीडिंग ऑथराइजेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको जो इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो अपने बैंक अकाउंट का नंबर एंटर कर देना है, यहां पर आपको जो है अपना आधार नंबर एंटर कर देना है, यहां पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपके बैंक के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एंटर कर देना है। यहां पर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप जो है अपने आधार कार्ड में एनपीसीआई या डीबीटी को इनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो हम जो है करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप यस वाले बटन को टिकआउट करेंगे, ठीक है ना। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नो वाले बटन को टिकआउट करेंगे। अगर आपका जो डीबीटी है पहले से किसी बैंक में इनेबल था तो आपको यहाँ पर उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, तो पहले से अगर किसी बैंक में आपका डीबीटी है तो आप जो है यहाँ पर उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं है उस कंडीशन में आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको कंसेंट को टिक मार्क करना है, यहाँ पर इस वाले कैप्चा को फिल कर देना है एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जो है आधार एनपीसीआई के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हो जाता है। आपका 24 से 48 घंटे में आपका जो आधार है आपके बैंक अकाउंट के साथ में लिंक कर दिया जाएगा और आपका जो डीबीटी है उसको यहाँ पर इनेबल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको किसी दूसरी बैंक में कराना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको जैसे कि हमको पंजाब नेशनल बैंक में सर्च करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पीएनबी आधार लिंक ऑनलाइन, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा ओटीपी आधारित आधार सीडिंग, आपको जो इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आ जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है ओटीपी आधारित आधार सीडिंग के लिए यहाँ क्लिक करें, इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको सेम एज इट इज अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना है, इस वाले कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल करना है, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में आपका जो है आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपका आधार के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, फॉर्म को यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो आपका आधार एनपीसीआई लिंक कर दिया जाएगा, वो भी घर बैठे ऑनलाइन तरीके से। उसके बाद मान लीजिए जिन भी लोगों का इंडियन बैंक है वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इंडियन बैंक आधार एनपीसीआई लिंक, ठीक है ना। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं ऑनलाइन
आधार सीडिंग ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप यहां पर इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने सेम एज इट इज फॉर्म आ जाएगा। आपको अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना है, इस वाले कैप्चा को यहां पर फिल करना है, टर्म को एग्री करना है, सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी बैंक के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसके बाद आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। दोनों ओटीपी को आप फिल करेंगे एंड फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका जो है आधार एनपीसीआई लिंक के लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाता है। 24 से 48 घंटे में आपका आधार एनपीसीआई लिंक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अलग अलग बैंक में आधार एनपीसीआई को लिंक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अब दोस्तों यहां पर जो है कुछ ही बैंकों में जो है ऑनलाइन का फैसिलिटी है, सभी बैंकों में ऑनलाइन का फैसिलिटी नहीं होता है। कुछ बैंकों में यहाँ पर जो है ऑफलाइन फैसिलिटी भी है, तो जिन भी बैंकों में ऑफलाइन फैसिलिटी है उनमें आपको जो है बैंक जाना होगा। इस तरह से दोस्तों आप जितनी भी सारी ऐसी बैंकें हैं जो कि आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है, आप उनमें ऑनलाइन तरीके से अपना आधार एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हाँ एसबीआई में आप जो है किस तरह से अपना एनपीसीआई लिंक करेंगे इस पर आपको बहुत ही जल्दी एक वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।